इसके पत्तों में बहुत ही मिठास होती है, जिसे हम चीनी की जगह यूज़ कर सकते हैं। जो डायबिटीज़ के पेशेंट है वो आराम से इसे यूज़ कर सकते हैं, कोई भी नुकसान नहीं। पत्तों को सुखाइए, चूर्ण बनाइए और इसे यूज़ करिए। ये स्टीविया प्लांट है, लास्ट ईयर मैं इसी महीने अप्रैल मंथ में लेकर आई थी नर्सरी से, और अब देखिए ये 1 साल का हो गया है। जो पुरानी टहनियाँ थी वो सारी सूख गई हैं, लेकिन नीचे से नई शूट्स बहुत सारी निकली हैं, और इन्हें ही मैं आज निकाल के प्रोपोगेट करूँगी और इसकी अपडेट भी दिखाऊँगी, इसलिए अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, मैं मधु, बगिया की महक में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हो, बहुत सारी शूट्स निकल के आई हैं और इसमें 3-4 मैं शूट्स निकाल के लगाऊंगी, और देखिए इसमें रूट्स भी आपको नज़र आ रही होंगी। तो इस तरह से जो भी प्लांट मिट्टी में से शूट्स निकालता है तो उसमें रूट्स भी साथ आनी चाहिए, जिससे कि पौधा जल्दी से फिर नई ग्रोथ शुरू कर देता है। और ये एक बना बनाया हमारा पौधा, छोटा सा सीडलिंग कहे तो गलत नहीं होगा। तो ये देखिए मैंने छोटी सी निकाल ली है एक, क्योंकि कई बार जो छोटी टहनी होती है वो जल्दी सेट हो जाती है, और इसमें भी देखिए रूट्स आ गई हैं। तो ये सारे हम इस मिट्टी में लगा देंगे। ये मिट्टी एक बहुत ही पोस मिट्टी है, इसमें मैंने 50% तक रेत डाली है, जिससे कि पानी इसमें ना रुके, और 10% इसमें कंपोस्ट डाली है, बाकी गार्डन सोयल है। इस तरह से जब भी हम किसी पौधे को मल्टीप्लाई करते हैं, चाहे कटिंग से करें, पप से करें, या फिर इस तरह से जो शूट्स निकलते हैं उनसे, हमेशा छोटा पोट लें और उसमें आप एक एक पौधा इस तरह से लगाएं, या फिर एक बड़ा पॉट ले उसमें 3-4 लगा दें, फिर भी सही रहता है। अब ये देखिए इसमें बहुत सारी और भी शूट्स हैं, तो मैं एक और निकाल लूँगी। तो देखते हैं अब कौन सी निकाले जिसको निकालना आसान हो और काफ़ी हेल्दी हो। तो चलिए एक बड़ी निकालते हैं, लेकिन बहुत मुश्किल हो रहा है इसको निकालना, क्योंकि जितनी बड़ी होगी उसकी जो रूट्स है उतनी ही नीचे की तरफ चली जाती हैं। तो दोनों हाथों से मैंने इनको निकाला, फिर ये देखिए कितनी अच्छी इसमें साथ में रूट्स आई हैं, और इसे मैं अब कोकोपीट में लगाऊंगी। तो हम देखेंगे कि कोकोपीट में भी क्या ये ग्रो होती है, क्योंकि कई बार कोकोपीट में बहुत जल्दी ग्रो हो जाती है मिट्टी की अपेक्षा। तो हम देखेंगे, पहले इसमें देखिए इस तरह से मैंने होल बनाया है ताकि ये अच्छे से इसमें चली जाए, क्योंकि बहुत ही डेलिकेट है इसकी ये जो टहनी है। इस तरह लगाने के बाद 3 बातों का विशेष ख्याल रखना है। नंबर 1, इसकी मिट्टी हमेशा मॉइस्ट रहनी चाहिए, कभी भी सूखने नहीं देना इसको जब तक कि अच्छे से इसकी ग्रोथ नहीं शुरू हो जाती। नंबर 2, इसको शेड में रखना है। नंबर 3, बार बार जगह नहीं बदलनी। और अब ये देखिए इसमें जो पुरानी टहनी है वो मैं सारी काट दूंगी, वो काली पड़ गई हैं, तो ये बहुत ही अच्छे से घना हो जाएगा। अब ये मेरे पास देखिए बहुत सारे सीड्स हैं जो मैंने इसके कलेक्ट किए थे इसी पौधे में से, और मैं बार बार आपको शॉर्ट वीडियो के जरिए दिखाती भी रहती थी कि देखिए ये सीड्स निकले हैं इसके, और आज मैं इनको भी ग्रो करूँगी। जबकि मैंने कई जगहों से पता किया है कि इसके सीड्स सेव करके जो हम ग्रो करते हैं तो वो हो नहीं पाते हैं। चलिए कोशिश करते हैं, अगर हो गए तो देखिए बहुत सारे प्लांट्स बन जाएंगे। और इस तरह से मैं मिट्टी में बिखेर देते, क्योंकि बहुत ही छोटे और हल्के सीड्स हैं इसके, इस तरह से करके बस सब पानी दे देंगे, और इसको भी हम शेड में रखेंगे, और इसकी भी मिट्टी हमेशा मॉइस्ट रहेगी तभी ये जर्मिनेट हो पाएंगे, और बहुत ज़्यादा गीली भी मिट्टी नहीं करनी, इससे भी हमारे सीड्स ख़राब हो जाते हैं। अब ये देखिए पूरे 25 दिन के बाद की वीडियो है, इसमें सभी जो हैं पौधे हमारे अच्छे से खड़े हैं, हरे भरे, किसी के भी पत्ते हैं जो पुराने वाले ख़राब नहीं हुए। ये देखिए ये छोटी सी ली थी जो, ये भी अच्छे से खड़ी है, तो सभी हेल्दी नज़र आ रहे। सिर्फ ये कोकोपीट वाली थोड़ी सी देखिए पत्ते गिरे गिरे से, और लेकिन
जो ये दो पत्ते हैं ये बहुत अच्छे से खड़े हैं, तो इससे लगता है कि ये भी चल पड़ेगी, थोड़ा टाइम लेगी। तो इससे यही हमें समझ में आता है कि कोकोपीट में मत लगाएं, मिट्टी में ही ये बढ़िया से चलती है। और ये पूरे देखिए 30 दिन के बाद की वीडियो है, और ये पौधा तो हमारा देखिए कितना अच्छे से घना हो गया है, बहुत ही हरे भरे पत्ते हो गए हैं। और ये हमारे पौधे हैं देखिए, और ये भी बहुत बढ़िया से अब इसमें नई ग्रोथ शुरू हो गई है। तो ये सेट हो गई है, अब इनको हम 1 घंटे की धूप में, सुबह या शाम वाली धूप में रखेंगे। धीरे धीरे धूप की मात्रा बढ़ानी चाहिए, एकदम इसको पूरे दिन की धूप में नहीं रखना होता। तो ये अभी भी थोड़ा सा गिरा गिरा सा ही है, लेकिन देखिए दो जो पत्ते हैं वो पूरे अच्छे से खिले हुए हैं, तो लगता है ये भी ग्रो हो जाएगी। चलिए चलिए, आप भी देर ना करें, जल्दी से नर्सरी जाकर ये प्लांट लेकर आएं, स्टीविया। और इसकी छोटी छोटी अगर पौध मिलती है, बहुत सस्ती मिल जाती है, 5-5 रुपए में, वो ले आएं। और लेकिन लाएं ज़रूर, क्योंकि ये बहुत ही बढ़िया प्लांट है। अब आपसे विदा लेते हैं, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, लाइक भी करें, शेयर भी करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, हैप्पी गार्डनिंग।